तो हिंदू और बौद्ध धर्मों का माथा टेकने का रीजन यही है। बहुत मजा ऐसा ही है ट्रिप का, उधर से आओ इधर से जाओ। 1500 रुपया सिर्फ इतनी एक लकड़ी का नेपाली थे महंगा। बाल्टी ए बाल्टी नहीं ए बात तो ही नहीं लानी थल्ले थे लिया रा प्लीज। पानी पानी की कमी है अपने पास ना, ताजा ताजा बर्फबारी हुई है देखी यहाँ पे, 10 मिनट में ही बर्फ ही बर्फ होगी पूरे रोड। लाले तुम इंजो दे दे 15 लाख में कर लें तेरे ब्याह। भागो भागो स्नोफॉल होने वाली है, स्नोफॉल फ्रेश। बचपना बचपना एडवेंचर। क्या सुपर नजारा लग रहा है यहाँ पे, वो देखो सामने बर्फ। लाइव स्नोफॉल नहीं हो रहा, लाइव स्नोफॉल हो जाए ना फुल मजा, पैसा वसूल। कृपया जूते यहाँ उतारे, ये लोग तो चले गए अंदर, मैं पीछे रह गया। जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले। सिर्फ यहीं बाहर फोटोग्राफी कर सकते हैं हम, अंदर फोटोग्राफी करना मना है, तो इसलिए अंदर का वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये अंदर एक बहुत बढ़िया चीज़ देखिए, यहाँ बौद्ध भी बैठे हैं, बौद्ध भी माथा टेक रहे थे अंदर। तो यहाँ पे अपने हिंदू लोग और बौद्ध धर्म के लोग भी यहाँ आके भक्ति पूजा करते हैं। और इसके पीछे क्या रीज़न है ये तो हमें भी नहीं पता। कहाँ लगा है, लिखा है कुछ उस पे? कुछ तो हिंदू और बौद्ध धर्मों का माथा टेकने का रीजन यही है। बहुत प्राचीन काल से 5वां धाम माना गया है यहाँ, इतना मतलब दुर्गम स्थान पे होने के बावजूद इसको 5वां धाम माना गया है। बाकी जो बोर्ड है, बोर्ड पे लिखा, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद जय भोले जय भोले। तेरा क्या सीन हाँ? छोटे खानी बस। खत्म बाबा टाटा गया। मैं तो कहता हूँ रोटी बनाओ खुद की। रोटी बनानी है लंच। लंच बनेगा सेपू बढ़िया। सेपू बढ़िया बनेगी आज विद राजमा। हाँ विद राजमा। ये राजमा उधर प्रश्न में बनाने थी, बनाने जा रहे थे पर ज्यादा डल गए, पर इसके बाद हमने इसे बोतल में डाल दिया, 2 दिन सीसी बोतल में। वो देखो उस रोड से हम आए थे कल और इस रोड से आज जा रहे हैं, मजा ऐसा ही है ट्रिप का, उधर से आओ इधर से जाओ। उसी रोड से वापिस जाएंगे तो उतना मजा नहीं रहता। अगर आपके पास ऑप्शन है दूसरे रोड का तो यूज इट। ऐसे खुले खुले पहाड़ देख के ना मजा ही आ जाता है, अलग ही फील, अलग ही भाई। कुकिंग के लिए देखो पानी नेचुरल सोर्स से भरा जा रहा है और यहीं पे आंटी जी कपड़े धो रहे हैं। आंटी जी ठंड नहीं लगती आपको ठंड इतने पानी से? मशीन मशून नहीं रखते इधर बंदे है ना? रखते मशीन। वो जाम ही हो जाती होगी मतलब, मुझे लग रहा सर्दियों में तो जाम होता है ना। हाँ ये अच्छा है ग्लव्स पहनना है, इससे ठंड नहीं लगेगी है ना। बर्फ कब जैसे पड़ेगी इधर इस यहाँ पे वो तो ऊपर तो पड़ गई है पहाड़ पे, पड़ा था थोड़ा थोड़ा। अच्छा वो सूख गया हो। सुबह से ब्रेकफास्ट किया नहीं था तो बहुत ज़्यादा भूख लग गई है सबको, तो फाइनली ये रोड साइड में हमारी कुकिंग हो गई है चालू और लाला का काम हो गया शुरू। लाला तूने अपना वो चेंज कर दिया क्या धंधा, छिल छिलाई का काम तो जोनी का था? अरे अभी टेंट लगाया ना मैंने। और इस बार हम ये टेबल लेके आए हैं अलग से, पिछली बार भी हमने बहुत बार कुकिंग की तो नीचे थोड़ा सही नहीं लगता मामला, कुछ ना कुछ रखना पड़ता था, तो टेबल सही आ गया इस बार कुकिंग के लिए। और यहाँ रुकने का मेन रीज़न था कि यहाँ ये हमें आग जली हुई मिल गई, किसी ने जलाई थी सुबह हम आए तो देखा आग जली तो यहीं रुक गए। आग भी ज़रूरी है ना, ठंड है यहाँ क्योंकि पीछे है बर्फ का पहाड़, वो देखो ऊपर बर्फ। बाहर आ रहे हो? आओ बाहर आओ भाई साहब। अब करते आग जरूरी है, बहुत ठंड है। सामने देखो ग्लेशियर पिघला ही नहीं है अभी तक, और ग्लेशियर के ऊपर ही मिट्टी गिर गई है पर पिघला नहीं है। आखिरकार लाला ले ही आया लकड़ी तोड़ के। क्या
कितनी मेहनत लगी? बस घर पे कर लिया होता ये काम तो गालियां आ जाती। तो पापा जी से गालियां ना सुननी पड़ती है ना। यार एक लकड़ी काटने के इतने पैसे, लाला कितना इनाम मिला? ₹1500 सिर्फ इतनी एक लकड़ी का। कांग्रेचुलेशन। तू ठीक है रे? किसी के पास तो नहीं है। महंगा जस्ट लाइक अ गौमूत्र, जस्ट लाइक अ तेल, जस्ट लाइक अ पेट्रोल, तीनों चीजें एक ही चीज कवर करती है। लुकिंग लाइक अ वाओ, लुकिंग ए जा लिया रे ट्रेंड जे ने फॉलो करने पर। ये तड़का हो गया हमारा रेडी राजमा का। राजमा बड़ी मिक्स और चावल तो बन के हो गए तैयार। क्या दिक्कत है तेरी? दिक्कत ऐसी है भाई, स्टोर का नमक लेके आया। चुप क्यों नहीं होता यार तू? ओए स्टोर का नमक है क्या? टाटा का नमक लाओ। टाटा टाटा नहीं, सेंधा नमक खाओ। सेंधा नहीं भाई, सेंधा नमक सबसे अच्छा है। ये अंग्रेजों की नहीं, सेंधा नमक अपना चौंचला है भाई साहब, पहाड़ी आयुर्वेदिक। हमारा इधर का पहाड़ी गुम्मा लून होता है। तो गुम्मा लून बकरी है, चट्टी लेकर दो काम करना। दहाड़ा में जो कर देगा सोच के गैस कर, छोटा काम है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ये बाल्टी, ये बाल्टी नहीं, ये बात तो नहीं लियानी, वो थल्ले थे लिया रहा प्लीज। पानी, पानी की कमी है अपने पास ना, पानी भी वेस्ट कर दा। चकमी लग रही होने वाला। अभी हम जा रहे हैं लड़की की खोज, सॉरी लकड़ी की खोज। यहाँ लकड़ी की कमी है बहुत ज्यादा। हाँ क्योंकि आग जलाना यहाँ बहुत जरूरी है। सामने सामने फोकस कर, फोकस कर, सामने वाली पहाड़ी दिखा। ये वहाँ से जो सन सन हवा आ रही है ना बर्फ की चादर से, हाथ पैर सुन कर दे रही है। और ये जो नीचे है ये चंद्रभागा, देखने में अच्छी लग रही है लेकिन ठंड। ताजा ताजा बर्फबारी हुई है देखी यहाँ पे। 10 मिनट में ही बर्फ ही बर्फ होगी पूरे रोड पे, नीचे हाथ पैर पूरे सुन्न हो गए एकदम। बोले अत्था ने पता लगा। कैसा लगा मेरा मजाक? भाई इतनी मेहनत नहीं, इतने कर लकड़ू मिल लिया। हाँ वो यंग का काम है यार। हमारे पिटारे में तो अभी बहुत आइटम बचा है। ये नेशनल फूड कब बनाना? वापिस कर देना लाला, वापिस हो जाएगा ना सामान। क्या नेक्स्ट ट्रिप पे ला भी बैठ बड़ी जी। बस बस बस, बोटी रात खुला और सब्जी भी हो गई है रेडी। चक्के में लगा कड़छी घास का तड़के वाली गाढ़ा माल। लाला हैंड वॉश किया ऐसे ही? लाइव बॉय हैंड वॉश किया। हां अनुशासन पूरा, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन पूरा फॉलो करना है। रिव्यू दो दादा, दादा रिव्यू कितने में? आउट ऑफ 5 रेटिंग दो, पहले रिव्यू दो फिर रेटिंग, तो आउट ऑफ बाद में देना। 4.5 केड़ी टाइम आगे रेटिंग है जो ये 5 में से 5 में से 2 10 ये कैसा मैथ है? ये मैथ ऐसा है कि तो 5 नंबर के लिखाई गई बंदों ने प्यार से बनाई थी। 5 नंबर हैंड राइटिंग, 5 नंबर हैंड राइटिंग। कल जोनी को टाइम से खाना नहीं मिला था, आज टाइम से मिल गया। जोनी आ ठीक है सिस्टम ओके रिपोर्ट। इसकी प्लेट रखो यार भाई साहब, बोल लो कहते हैं ना। हां यार इसको इधर नहीं रखो भाई, इसको रखो इधर एक मिनट। बोलते हैं ना पहाड़ों में ना, बोलते हैं ना मैगी खाने का अलग ही मजा है। ऐसे कुकिंग करके और खाना खा के दे। देखो पीछे पहाड़, पीछे पहाड़ बर्फ बर्फ वाले और सामने हम ऊपर मौत। एक पत्थर भी वहां से गिरा, ऊपर से नहीं आएगा पत्थर, ऊपर से नहीं आएगा पत्थर। गाड़ी खड़ी है ना, गाड़ी इसलिए इधर लगाई है सेफ्टी के लिए। प्लेट दस्या जो नी, प्लेट दस अपनी सफाई। ए क्या हो जाएंगे सफाई? अच्छा चिट्टी करने दो मैं प्लेट उठिया जे, वो टिक्का लगना क्या, वो भी लगना
सौंफ चीनी सिगरेट है बराती ने ना सारे तू पहले उठी है यो इसो दिया लांदा सगन लाले जो लगना सगन 10 रुपया रा फुक देनी यार कजू सट नहीं थलेगा फुक देनी बोल क्या बोली रहा ब्याह वो नहीं करना ब्याह वो नहीं करना ब्याह कदी करना घर आड़े जीत नहीं पाओ तो करना ही नहीं है कुड़ी कड़ी जी चाहिए दस रोटी मैंने खा दो बस स्वाद दे बस यार सारे करे सारे रोटी खाने वाले लाले तू मुझे दे दे 15 लाख मैं कर लें तेरे ब्याह ब्याह च कितना खर्चा आना बासमती चावल है ये लाला जी सिर्फ सर्व कर रहे हैं कुक तो ये बैठे हुए हैं तो क्या बोलना चाहते तू सहफेरी रोटी के बारे रोटी कड़ी जी लगी रही आग लगा दी आग लगा दी आग रोटी बड़ी है नहीं टोपी भाई क्या बोल रहा है बहुत बढ़िया अरे टिपा बैठने कुछ भी खाओ ना इन्हें मजा आ गया नहीं आने आंदा मैं बोले तेरे बंदे मैगी री फील लई है तो प्रॉपर प्रॉपर ओ मैगी दा यार बच्चे भी खाई ले मर्द खांदे रोटी कन जे बना रही हो बोटी है कन बोटी है हाले दिखा स्पेशल कुक हर केवल भाई और हैं क्या रोटी बनाई देती है इन इन्हें कभी जिंदगी च नहीं खाती रोटी है इन्हें गरीबों ने ब्याह दिखा एडी रोटी नसीब लग रही होने आउटर लाइन लंदी रे स्पेशल अर्जियां पाई रही ना जो है पैरा पाई गए थे ए आले पाई था बोले पाई तो चलना ने ताज रोटी नहीं मिलती पर लै जी अज पाई और मने पाई और आए कने ये रोटी आई स्वाद ली आंदे इन्हें चलो शिशु से पहले गाड़ी नहीं रुकेगी बहुत ज्यादा टाइम हो गया टाइम बज गया है पौने दो दोने पो मुझे बता पूरा सेट हो गया वो यार मुझे ठंड लग रही है पता नहीं कहां मुझे कॉफी नहीं तृप्ता कॉफी आगे बना लेंगे टोपी इधर है ऐसे अच्छा चलो भाई दो बज गए झालमा 7 किलोमीटर शिशु कितना 3 4 शिशु कितना किलोमीटर 6 शिशु यहां से है पेट भर गया अब चलते हैं आगे मनाली की तरफ लाला तांदी ब्रिज के सामने पोज देते हुए तू किस लिए तैयार हो रहा तो खोल क्यों ना पहन भाई ठंड है इधर पहले स्नोफॉल पे हमारे कदम पड़ते हुए यहाँ तो हल्का फुल्का ही है यहाँ तो हल्का फुल्का स्नोफॉल है आगे शिशु के पास पड़ी हैवी बर्फ वहाँ पे करेंगे थोड़ा एंजॉय क्या कहना है आपका इस बारे में अरे बढ़िया है भाई ये भी देख लिया तांदी का ऐतिहासिक ब्रिज तीन दी तांदी तो ये बता पहले ये नदी कहाँ से आ रही है और वो कहाँ से आ रही है अरे वो तो अपनी है चंद्रा और ये दूसरों की है हाँ ये सूरज ताल से आती है ना ये भागा है बारालाचा पास से वाली हाँ ये भागा नदी आ रही है इधर से चंद्रा बारालाचा से और उधर से चंद्रा और आगे बनती है चंद्रा भागा बर्फ ही है चलो 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 जल्दी चलो चलो भागो भागो स्नोफॉल होने वाली है स्नोफॉल फ्रेश आज फ्रेश स्नोफॉल देख के जाएंगे चलो चलो भाई जल्दी जल्दी स्नोफॉल होने वाली है फ्रेश आज जोनी का नाम रख दिया ना ये हमने और 3D में नहीं था राजू नस्तोगी वो दिखाना ये अंगूठियां ओहो भाई साहब सामने देखो सूरज भी आ रहा है हल्का हल्का ऊपर से और स्नोफॉल भी शायद मे भी मिल जाए फ्रेश खींचो तो मजा ही आ जाएगा मजा ही यार बर्फ से ढके ये पहाड़
अलग ही फील देते हैं, अलग ही फील। क्या चीज यार, क्या चीज बनाई है, आंखें नहीं भर रही, देख 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 के आंखें नहीं भर रही, ऐसा लग रहा है बस देखते ही रहे। मजेदार जबरदस्त जन्नाटेदार। हाँ जी, फोटो खींच यार। हाँ जी, फोटो खींच यार मेरा। आजा बाहर है। ओ ना ना ना, वो बाहर आजा। ओ बस बस, क्या सुपर है यार, देखो इतनी खूबसूरती दी है ना इस, ये पूरी रेंज को, इस पूरी बेल्ट को ऊपर से नीचे तक, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ दोनों तरफ, बीच में ये रोड, ओहो गजब। लाला यार आ, ओ मैं पूरा बस एक बोरू रा इंतजाम कर रहा हूं। क्या करना बोरू ने? मैं स्केटिंग करनी, मैं छाणी मार रही पै, मैं रेली आना। ये ले कवर, बचपना बचपना एडवेंचर, ये है बचपना। यहां भीड़ देखो भाई साहब, भीड़ देखो। और वो है, वो क्या है, लेक है, क्या है, स्केटिंग रेंज जाने उते छाड़ी मार रही उस तो होना थी। तू इन्हें रगड़ देना तो फिर करने, बर्फ में घूमने का मजा तो ले लेते हैं हर बार, तो जो फ्रेश स्नोफॉल है ना, हैवी फ्रेश स्नोफॉल, वो नजारा हर बार रह जाता है। ये देखो ये वाली चीज मुल्ली सकते हैं ये, मां यो घर नहीं बैठी करा, छोर घूमने आई करा, घर नहीं बैठी करा, घूमने आई करा, घूमने आई करा, मां यो लाया मेरे घर साहब। उसको बोल, ये मैसेज किसके लिए था? ए जे बाकी सारे बंदे लग रहे होंगे देखने, मजा ले लें कई बंदे रहा। ये तो लुक की मेरी बड़ी कैंट है, ये ठीक है। हाँ हाँ, जहाँ से शॉर्टकट मिल रहा वहीं से चल, पर स्लिप भी कर सकते हैं। बहुत पब्लिक एंजॉय कर रही है, बहुत ही ज्यादा पब्लिक एंजॉय कर रही है यहाँ पे। चंबा चंगा लगदा ਉਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਬਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੋਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨਾਲੀ ਹੈ।